नमस्कार दोस्तों, मैं कमल चौधरी आपका टेलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप टेलेक्सी में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ही आसान तरीका है टेलेक्सी में रजिस्टर करने का। दोस्तों आपको पहले करना है, पहले आप जाइएगा टेलेक्सी की वेबसाइट पर जो है www.telexfree.com। उसके बाद जो भी आपके स्पॉन्सर है आप स्लैश डाल के उनका यूजर नेम डालेंगे। यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम डाल रहा हूँ जो कि है कमल92। दोस्तों उसके बाद आप जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है साइट कमल92, इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्पॉन्सर है वो है कमल92। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पेज पे जो टैब है उस पर क्लिक करिए। वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखाई देगा जो आपको फॉर्म फिलअप करना है। फर्स्ट ऑप्शन होगा उसमें एम ऑलरेडी अ प्रोमोटर, इफ यू आर अ प्रोमोटर देन क्लिक यस, इफ यू आर नॉट अ प्रोमोटर देन क्लिक नो। आप यस पे क्लिक करेंगे उसका मतलब होगा कि आप पहले से ही टेलेक्सी को कर रहे हैं, आप अपने यूजर नेम को जो कि आपकी आईडी है आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। पैकेज डालिए किससे अपग्रेड करना चाहते हैं, नंबर ऑफ सिग्नेचर कोड डालिए, ठीक है, एक दो या तीन से आप जितने से भी करना चाहते हैं, इन्फॉर्म योर लॉगिन जो भी आपका यूजर नेम है वो डालिए, उसके बाद एंटर सिक्योरिटी कोड डालिए, ओके। उसके बाद आप अपनी आईडी को अपग्रेड कर पाएंगे। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं इसका मतलब आप फ्रेश हैं और आप टेलेक्सी में रजिस्टर करना चाहते हैं। नो पे क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन आएगा इंडिकेटेड बाय कमल92, इसका मतलब है आप कमल92 आपके स्पॉन्सर हैं। उसके बाद आएगा एक्सेशन किट, इसका मतलब है कि आप टेलेक्सी को कौन से पैकेज से ज्वाइन करना चाहते हैं। पहला है पार्टनर जो कि है $50 का, उसके बाद है एड सेंट्रल जो कि $289 का है, उसके बाद है एड सेंट्रल फैमिली जो है $1375। इंडियन रुपीज में बात करूं तो मैं पार्टनर तो अप्रोक्स 3000 का पड़ता है जिसमें डॉलर की कॉस्ट मार्केट के अकॉर्डिंग होती है। अगर आप अप्रोक्स 60 लगा के चले तो सीधा 3000 का है। उसके बाद अगर 289 की हम बात करें उसके बाद $50 एज ए यहाँ पे पार्टनर फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है। उसके बाद जो इसकी कॉस्ट आती है इंडियन रुपीज में वो आती है अप्रोक्स 21,000 अप्रोक्स। उसके बाद एडसेंट्रल फैमिली की जो कॉस्ट आती है वो आती है अप्रोक्स 90,000 इन इंडियन रुपीज, ओके। क्रिएट योर लॉगिन नेम डालिए आप अपना जो कि आप करना चाहते हैं, मैं डालता हूँ कमल चौधरी। अगर यहाँ पे ग्रीन आएगा इसका मतलब ये यूजर नेम अवेलेबल है, अगर यहाँ पे रेड आएगा लेटर सपोज मैं डालता हूँ कमल92। देखिए यहाँ पे रेड आया इसका मतलब ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आप पासवर्ड डालिएगा जो भी आप अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं, सेकेंडरी पासवर्ड डालिएगा ये आपका ई वैलेट पासवर्ड होगा, कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद आप फर्स्ट नेम डालिएगा अपना, जिस नेम से भी आपका बैंक अकाउंट हो वही नेम आप यहाँ पे डालिएगा। लास्ट नेम यहाँ पे आप अपना एंटर कीजिएगा, फोन नंबर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए यहाँ पे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे रिपीट कर दीजिए। टैक्स आईडी जो होती है वो होगा आपका पैन कार्ड। मैं आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आपका जो पैन कार्ड होगा वो यहाँ पे सिर्फ आप न्यूमेरिकल डिजिट डालेंगे। जैसा कि आपको पता होगा जो आपका पैन कार्ड होता है वो न्यूमेरिकल और अल्फाबेट्स का एक कम्बिनेशन होता है, पहले अल्फाबेटिकल होते हैं, बीच में न्यूमेरिकल होता है, फिर लास्ट में अल्फाबेटिकल कुछ डिजिट होती है। तो आप बीच का जो चार इंडियन जो टैक्स आई डी वो चार डिजिट होता है न्यूमेरिकल का, सिर्फ आप न्यूमेरिकल यहाँ पे एंटर कीजिए चार डिजिट का, कन्फर्म कीजिए। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालिए यहाँ पे, अपनी ईमेल जो आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पे डालिए, एड्रेस आप अपना दीजिए यहाँ पे, आप एड्रेस इनिशियल से कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि आप इसको बाद में एडिट कर पाएंगे, ओके। नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे वो आप लीव कर दीजिए, इसको आप मत फिल करिए। उसके बाद जो भी आप सिटी से बिलोंग करते हैं वो सिटी डालिए, जिप कोड डालिए अपनी सिटी का, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो डालिए, उसके बाद जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो डालिए। आई रीड द एक्सेप्ट एंड टर्म्स, ये आप दोनों टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद जो भी कैप्चा कोड यहाँ पे है वो आप फिल कीजिए और साइन इन हियर कीजिए। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड इजी प्रोसेस, आप इसको करके टेलेक्सी में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं।
मैं आपको विश करता हूँ कि आपकी गैलेक्सी की जर्नी बहुत ही सुखद हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।